ओके, तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे 15 ऑफ द 30 डेज कोर्स प्रोसेस सीरीज। हम आरआरबी सीरीज पे आ चुके हैं। इफ यू आर स्टिल नॉट फॉलोइंग द प्लेस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो एंड चेक इन द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आज का जो प्रॉब्लम है वो एक डीपी का प्रॉब्लम है ऑफ लेवल 1700। तो हाँ, बहुत मजा आएगा और काफी फेमस प्रॉब्लम है ये फ्लावर्स। तो क्या ये प्रॉब्लम कह रहा है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, रेड एंड व्हाइट, और एक के की वैल्यू दी है। हमें क्या बोला गया है, यू आर अलाउड टू ईट फ्लावर्स, मे बी रेड ईट करो चार चलेगा, पांच ईट करो चलेगा, बट वेन यू आर ईटिंग डब्लू तो यू हैव टू ईट इन अ ग्रुप ऑफ थ्री ओनली। मतलब ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन, ये भी एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन, ये भी एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन, बट ऐसा नहीं चलेगा कि हम लोगों ने दो डब्लू रीड किए, दो व्हाइट वाले खाए और एक रेड वाला खा रहे। नहीं, अगर व्हाइट वाले खाने हैं तो हमें तीन के ग्रुप में खाना पड़ेगा। दिस इज द क्वेश्चन आज। तो अब इस क्वेश्चन में हमें डीपी लगाना है और हमें क्या बताना है कि मान लो दो वैल्यूज दी रहेंगी ए और बी, ऐसे नंबर ऑफ क्वेरीज है, तो नंबर ऑफ क्वेरीज के लिए ए और बी दी रहेंगे। एंड फॉर ईच क्वेरी हमें क्या बताना है कि बी नंबर ऑफ फ्लावर्स खाने के कितने तरीके हैं, और ए मतलब ए से बी तक में खाने के कितने तरीके हैं। मतलब बेसिकली प्रीफिक्स, मतलब इस क्लियरली प्रीफिक्स सम का क्वेश्चन है कि हाँ पहले ए के लिए कितने तरीके हैं, फिर ए प्लस वन के लिए कितने तरीके हैं, फिर ए प्लस टू के लिए कितने तरीके हैं, एंड सो ऑन अप टू बी के लिए कितने तरीके हैं। तो ये निकालने के लिए हम सिंपल सा प्रीफिक्स सम निकालते हैं। ये पता ही होगा कि हाँ हम लोग प्रीफिक्स ऑफ बी माइनस प्रीफिक्स ऑफ ए माइनस वन करते हैं। तो हाँ, दिस वॉज द जनरल क्वेश्चन। तो मतलब यही अभी प्रीफिक्स सम निकालना है, तो फिर ए और बी के लिए, पर पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने पॉसिबल वेज है बी और ए के लिए, क्योंकि बी और ए के लिए हमें निकालना पड़ेगा। तो ये बी और ए के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डीपी लगाएंगे। तो डीपी लगाने के लिए दो ही सवाल आते हैं कि डीपी लगा रहे तो डीपी की स्टेट क्या होगी। पहले थोड़ा फील करते हैं। सी सपोज जब तक लेंथ वन है तब तक हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ रेड ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि के लेना है, डब्ल्यू लेना है, तब तो तीन के ग्रुप में लेना है, पर तीन तो है ही नहीं, लेंथ टू है, तब हम क्या कर सकते हैं, फिर भी हम सिर्फ आर आर ले सकते हैं स्टिल, ठीक है। लेंथ थ्री है तब हम क्या कर सकते हैं, तब हमारे पास आ जाती है दो तरीके, या तो हम आर 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 ले सकते हैं और डब्ल्यू 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 ले सकते हैं, राइट। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जब तक हम के माइनस वन पे है तब तक तो हमारा डीपी में क्या आएगा, डीपी ऑफ वन क्या होगा वन, डीपी ऑफ टू क्या होगा वन, और डीपी ऑफ के क्या होगा, तो ऐसे करके डीपी ऑफ के माइनस वन तक क्या होगा वन, और डीपी ऑफ के क्या होगा टू। तो यहाँ तक तो हमें समझ गया कि बेस केस ये हो गया हमारा कि जब तक के से कम है तब तक तो आंसर वन आएगा, और जब के आएगा तब आंसर टू आएगा, ठीक है। बट व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ द डीपी, तो जरा समझते हैं। देखो, व्हेन वी आर एट अ पोजीशन समथिंग लाइक दिस, अब हमें जो नेक्स्ट एलिमेंट डालना है वो क्या हो सकता है, तो आइदर वो क्या हो सकता है कि वो पिछले वाले से सेम हो, डब्लू हो, राइट, और क्या हो सकता है कि वो के पीछे जाके आर, मतलब या तो डब्ल्यू का ग्रुप कंप्लीट हुआ होगा, या तो डब्ल्यू का ग्रुप कंप्लीट हुआ होगा, या तो क्या हुआ होगा, या पीछे वाले से कॉपी करेगा। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, डीपी ऑफ आई जो है मेरा, या तो मेरा पिछले वाले स्टेट के इक्वल होगा, मतलब और या तो के पीछे जाके वो होगा, के पीछे जाके क्यों, क्योंकि हम ग्रुप ऑफ के में ले सकते हैं। तो बेसिकली हमारा जो डीपी का स्टेट बनेगा वो क्या बनेगा, डीपी ऑफ आई इक्वल टू डीपी ऑफ आई माइनस वन प्लस डीपी ऑफ आई माइनस के। अब यहाँ पे आई माइनस के हमने क्यों लिया, क्योंकि ये जो के का ग्रुप है हमें वो मेंशन करना है कि हाँ हम के ग्रुप पीछे जो एलिमेंट था वो रिपीट कर सकते हैं। तो हाँ, यही क्वेश्चन था। अभी ये हो गया हमारा स्टेट। अब जब एक बार स्टेट डिफाइन हो गया तब तो कुछ है ही नहीं डीपी में, मतलब हमें कैलकुलेट करना है। तो एज यू कैन सी द वैल्यू 10 टू पावर 5 तक जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, एक ही बार में 10 टू पावर 5 तक की वैल्यू कैलकुलेट करके रख लेंगे, और बाकी बाद में क्या करेंगे, हम लोग प्री कंप्यूट करेंगे, मतलब प्री कंप्यूट करके रख लेंगे प्रीफिक्स एरे वगैरह। ये हमने डीपी एरे बनाया, फिर डीपी एरे से प्रीफिक्स एरे कैसे बनाएंगे, तो प्रीफिक्स एरे विल बी डीपी ऑफ आई प्लस प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस वन, ऐसे डीपी प्रीफिक्स एरे बना देंगे, और फाइनल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स ऑफ बी माइनस प्रीफिक्स ऑफ ए माइनस वन। तो हाँ, यही था बेसिक क्वेश्चन। अगर समझ में ना आया हो तो बेसिकली डीपी का स्टेट है डीपी, यू शुड बी नोइंग अबाउट डीपी, व्हाट इज डीपी। ये हमने यहाँ पे टेबुलेशन की स्टेट लिख दी है, डीपी ऑफ आई इक्वल टू डीपी ऑफ आई माइनस वन प्लस डीपी ऑफ आई माइनस के। अभी कैसे आया समझ में आता है कि हाँ पिछला स्टेट एंड के माइनस उसका जो स्टेप था, मतलब के माइनस आई माइनस वन क्यों, क्योंकि पिछले से सेम हो सकता है, और आई माइनस के क्यों, क्योंकि के के ग्रुप में हमें चाहिए था, तो के ग्रुप से पहले क्या था हम वो चेक कर सकते हैं। तो दिस वाज अ टू डीपी स्टेट, एंड फाइनल जो हमारा आंसर आएगा
तो वही हमने कुछ भी नहीं किया, हमने क्या किया जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती थी वहां तक का डीपी बनाया, हर में वन से के से पहले तक वन से इनिशियलाइज किया, के में टू डाला है जैसे, फिर डीपी में हमने डीपी ऑफ आई इक्वल टू डीपी ऑफ आई माइनस वन प्लस डीपी ऑफ के किया, एड फंक्शन मैंने पहले से लिख के रखा है टू टेक द मॉड्यूलो इन मतलब मॉड्यूलो का ध्यान रखने के लिए, एंड देन हमने प्रीफिक्स एरे बनाया, तो प्रीफिक्स एरे वाज डीपी ऑफ आई प्लस डीपी ऑफ आई माइनस वन, प्रीफिक्स ना बना के डीपी में ही कर दिया, बट दैट इज द सेम थिंग, फिर हमने सीधा आंसर कर दिया डीपी ऑफ बी माइनस डीपी ऑफ ए माइनस वन। तो अगर ये एड सब्ट्रैक्ट कैसे लिखा है वो देखना है तो प्रिटी सिंपल, हमने एड में क्या किया ए प्लस बी मॉड्यूल है, ए प्लस बी और मॉड्यूल है, और यहाँ पे ए माइनस बी मॉड्यूल, मेक श्योर कि ओवरफ्लो ना हो रहा मतलब नेगेटिव नंबर ना हो रहा। तो या दैट वाज द प्रॉब्लम, आई होप समझ में आया होगा, इफ यस तो प्लीज कमेंट में लिख के बताना कि हाँ समझ में आया, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।